नमस्कार, मैं उपेंद्र आपका फाइव स्टार किचन में स्वागत करता हूँ। लड्डू, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लड्डू तो बहुत तरह के बनाए जाते हैं, वैसे बेसन के लड्डू के बारे में क्या कहना। हम आज बेसन के साथ साथ सूजी मिलाकर लड्डू बनाएंगे, जो कि खाने में आपको वही आनंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सूजी बेसन के लड्डू। सूजी बेसन के लड्डू बनाने की सामग्री है 1 कप बेसन, आधा कप घी देसी घी, आधा कप पिसी हुई चीनी, 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, गार्निश के लिए पिस्ता, 1/4 कप सूजी। सबसे पहले पैन में घी डालेंगे। घी हमारी गर्म हो गई है, अब हम बेसन डालेंगे, सूजी डालेंगे। मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए इसे हम भुनेंगे। बेसन हमारी अच्छी तरह से भुन गई है, देखिए इसके कलर भी चेंज हो गए हैं। अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और पिसी हुई चीनी को डालेंगे और मिक्स करेंगे। पिसी हुई चीनी को हमने अच्छे से मिला लिया है, बॉल में निकालेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद में इसका हम लड्डू बनाएंगे। बेसन हमारी ठंडी हो गई है, थोड़ा गर्म होना चाहिए, नहीं तो आपके लड्डू बनेंगे नहीं। आप देखिए गर्मा गर्म, छोटे बड़े अपने हिसाब से आप लड्डू बना सकते हैं। इसी तरह से आप छोटे बड़े लड्डू बनाकर तैयार करें। सूजी बेसन के लड्डू बनकर तैयार है। अगर आपके लड्डू बन नहीं रहे हो तो आप गरम घी जरूर उसमें डालें और उसके बाद बनाएं। अब हम इसकी गार्निश पिस्ते के साथ करेंगे। अभी लड्डू पूरी तरह से गोल नहीं है क्योंकि ये गर्म है और पिघल रहे हैं, थोड़े ठंडे होने के बाद में अपने आप ही गोल हो जाएंगे। देखिए कितने सुंदर लड्डू बनकर तैयार हैं, आप इसे जरूर बनाएं। बच्चे बूढ़े सभी बड़े पसंद से खाते हैं। तो मित्रों, हमने आपसे रेसिपी शेयर की है, आप भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, जिससे आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।